लगाकर ऐसे बिकता ही नहीं। हाय हॅलो नमस्कार, मी अजय परसुरे। 9 नोव्हेंबर 2007 रोजी एक सुंदर चेहऱ्याची अभिनेत्री बॉलिवूडमध्ये येते आणि सगळ्या बॉलिवूडवरती एक साम्राज्य गाजवते। नंतरची पुढची 12 वर्ष ती ओम शांती ओम म्हणते, चेन्नई एक्सप्रेसमध्ये चढते आणि मग एकाहून एक सरस भूमिका करत ती पुढे येते त्याच चेहऱ्याने। आज 12 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या 12 वर्षानंतर ती एक वेगळा चेहरा घेऊन आपल्यासमोर येते आणि त्या चेहऱ्याचं नाव आहे छपाक। आणि ती नुसती अभिनेत्री म्हणून येत नाही आहे तर ती निर्माती म्हणून सुद्धा आपल्यासोबत येते। दीपिका पदुकोण सगळ्यांनाच माहिती आहे आणि मला असं वाटतं की तुझं स्वागत आहे लोकमतमध्ये। नुकतंच तुला लोकमतचा स्टाईल अवॉर्डसाठी पण तू आली होतीस आणि तेव्हा पण तू छपाकसाठी सगळ्यांशी बोलली होतीस। थोडंसं मराठी, थोडंसं हिंदी, थोडंसं इंग्लिश असं आपण बोललो तर मला असं वाटतं की खूप चांगली चर्चा होईल असं मला असं वाटतं। सुरुवात करते दीपिका की एक तो मैंने जैसे कहा कि हमारे मराठी में 12 वर्ष म्हणजे वनवासाची वर्ष असं जे मस्करीत म्हणतात, पण हा तुझा एक ये जो आपका वनवास है वो बहुत अच्छा वनवास है, आप उस वनवास को कैसे देखते हैं? ओ वाओ, एक तो मैंने इतना मतलब पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है। मैं हमेशा आगे देखती हूँ, आगे का सोचती हूँ और बहुत कम ऐसे होता है जब मैं पीछे देख के मैं सोचती हूँ या देखती हूँ कि मैंने क्या किया है या मैंने क्या काम किया है। तो मैं इस चीज़ को उस तरह से आर्टिकुलेट नहीं कर सकती जैसे आपने किया और मैं इस काम के लिए भी मैं 10 साल 12 साल मैं उसको टाइम फ्रेम भी नहीं दूंगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आज तक मैंने जो भी सीखा है मैंने वो एक फिल्म सेट के ऊपर ही सीखा है। मैं कभी प्रोफेशनली मतलब एक फिल्म स्कूल नहीं गई हूँ, नीदर डू आई कम फ्रॉम अ फिल्म फैमिली। तो जो भी मैंने किया है लगन के साथ, दिल के साथ, दिल से मैंने किया है और बस छपाक भी मैंने वैसे ही किया है जैसे मैंने चेन्नई एक्सप्रेस की या जैसे मैंने पीकू की। मुझे सही लगा जब मेघना मैम आए और उन्होंने मुझे नरेशन दिया तो कहीं ना कहीं मुझे सही लगा कि हाँ मुझे ये करना ही है। कहानी मेरे लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल था, लक्ष्मी की जो कहानी है और जो जिस चीज़ से वो गुजरी हैं और फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी के साथ क्या किया है और दूसरों के ऊपर भी इतना इन्फ्लुएंस किया है कि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों तक पहुंचाने की जो आपने बात की, इसके लिए आपने प्रोड्यूसर बनी कि भाई मैं भी यहाँ इसमें कुछ हिस्सा बनती हूँ जिससे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मेघना मैम तो पहुँचा ही रही हैं पर एक हिस्सा बनूँ उसका? दोनों, बिल्कुल। एक तो कि मैं इस फिल्म को लेकर मैं और मोर देन एन एक्टर मैं इसका एक हिस्सा बनना चाहती हूँ और फाइनेंशियली नहीं बट फ्रॉम एन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ एज अ प्रोड्यूसर भी मैंने एक रिस्क लिया इस फिल्म के साथ और एंड एट द सेम टाइम येस आई थिंक जब होपफुली लोग जब लोग मेरा नाम देखेंगे एज अ प्रोड्यूसर तो शायद हम और लोगों तक ये कहानी पहुँचा सकते हैं। दीपिका, एज अ एक्टर ये खुशी होती है आपको कि शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि हम लोगों को फिल्म में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि यार ये फिल्म है या ये फिल्म है, इस दौर में आकर आपको अच्छा लगता है कि मेघना मैम आपके बारे में ऐसा बोलती है कि यार मैंने छपाक की है तो मुझे लिखते वक्त ही मुझे लगा कि दीपिका इसको कर सकती या दीपिका मुझे दिख रही थी। एक एक्टर करके ये बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे लिए रोल लिखे जा रहे हैं, मेरे लिए ये सब फिल्में चल रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बार जब से ये मैंने सुना कि मेघना मैम शायद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर दीपिका ये फिल्म नहीं करती तो शायद ये फिल्म बनती ही नहीं, तो एज एन एक्टर जब मैं ये बात सुनती हूँ तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा ही लगता है क्योंकि पहले शायद मैं जिस तरह की फिल्में करती थी वो शायद उसमें रोल्स रिप्लेसेबल थे, अगर मैं नहीं करती तो शायद कोई और कर लेता और वो भी मतलब वो भी एक मतलब
ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि किसी एक्टर ने ना मना किया तो वो फिल्म बनी ही नहीं, क्योंकि बहुत अक्सर ऐसा होता है कि वो, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कहानी अच्छी नहीं लगी, कहीं ना कहीं जो मैं ज़िंदगी से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ या जो मैं कहना चाहती हूँ अपनी फिल्मों के थ्रू, शायद कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटीज़ शायद नहीं होंगे, तो मे बी आई एम इन अ डिफरेंट फेज इन माई लाइफ. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जब हम एक फिल्म को चूज़ करते हैं. पर अच्छा, एंड इवेंचुअली ऑफकोर्स चाहे मैं हूँ या कोई और है, जो उनका एक जो उनका सोच है, जो उनका विचार है, वही हम लोग उस कैरेक्टर के अंदर हम डालते हैं. तो अगर मैं नहीं करती, शायद कोई और कर लेता, पता नहीं. पर मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी. मुझे लगा कि लक्ष्मी की कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था. इनकी जो कहानी है, लक्ष्मी या यू नो इफ़ यू टेक अदर एसिड सर्वाइवर्स ऑल्सो, उनकी जो कहानी है बहुत ही इंस्पायरिंग है. एज एन एक्टर हर एक की एक वर्किंग होती है कि जब उसे फिल्म मिलती है, जब उसे वो रोल मिलता है. आपने इस, आपके लिए ये टफेस्ट था क्योंकि ये नॉर्मल फिल्म नहीं है. इसमें मेकअप है, इसमें प्रोस्थेटिक मेकअप है, सिर्फ मेकअप ही नहीं, रोल बहुत टफ है. आपका वर्किंग कैसा होता है जब आपने ये फिल्म ली, मेघना मैम ने आपको पढ़ाई, आपने पढ़ी, आपने वर्किंग करना कैसे शुरू किया एज शूटिंग तक? आई थिंक मेरे लिए प्रेपरेशन तो करना ही पड़ा, और 6-8 महीने के लिए हम लोग प्रेप कर रहे थे. पर जो मैंने सेट पे एक्सपीरियंस किया, उस चीज़ के लिए जितना भी आप तैयारी करो वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इवेंचुअली जिस दिन हम लोग शूट करते हैं एक सेट पे, तो उस दिन का माहौल बहुत ही अलग होता है, जितना भी आप प्रिपेयर कर लो. तो ऑफकोर्स मैंने रीडिंग्स की, मैंने मेघना मैम के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, लक्ष्मी के साथ टाइम स्पेंड किया, एक्टर्स के साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा रिसर्च भी किया मैंने. बट इवेंचुअली जो सेट पे होता है वो, जितना भी आप प्रिपेयर करो वो एक अलग ही बात है, और वो एक अलग ही मैजिक होता है. और यस, प्रोस्थेटिक्स को लेकर बहुत समय लगा, 3-3.5 घंटे लगते थे. बट आई थिंक उससे ज़्यादा, लुक अचीव करने से ज़्यादा, जो इमोशनल प्रेपरेशन करना था, पड़ा मुझे, वो ज़्यादा, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है. क्योंकि अगर मैं एक कैरेक्टर के जैसे मैं दिखूंगी, पर इमोशनली अगर मैं ऑडियंस तक मैं वो बात नहीं पहुंचा सकती, तो वो कमी ऑडियंस महसूस करेंगे ही. बट इमोशनली अगर मैं सही तरीके से मैं ऑडियंस तक मैं वो बात पहुंचा सकती हूं, भले मैं 50% दिखूँ या उसे कम भी दिखूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं लुक के ऊपर इतना फोकस नहीं करती हूँ जितना कि मैं इमोशन पे फोकस करती हूँ. मैम, एक एक्टर को कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत एक्टर ऐसा कहते हैं कि मैं सेट से बाहर जाता हूँ तो ऑफ होता हूँ, मैं दूसरे अपने माहौल में चला जाता हूँ. इस फिल्म में आपको कभी ऐसा लगा, क्योंकि आपने पहली फिल्में की होगी तो उसमें आपको ऐसा लगा होगा कि चलो मैं सेट से बाहर निकली, दीपिका पादुकोण करके जी रही. आप जब सेट से बाहर जाती है इस फिल्म के दौरान, आप ऑन ऑफ हो रही थी या आप बहुत घुस चुकी थी उसमें? ऑन ऑफ, मतलब ऑफ तो मैं स्टैंड बाय मोड कहूँगी, मैं ऑफ तो नहीं कहूँगी. तो जब मैं सेट पे हूँ तो ऑन होता है, जब मैं सेट पे नहीं हूँ तो मैं स्टैंड बाय मोड पे रहती हूँ. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल के मैं अगले दिन मैं यू नो फिर से जाके मैं परफॉर्म कर सकती हूँ. कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में रह जाता है. तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि घर जाने के बाद मैं कुछ अलग करूँ, मैं क्लीनिंग करूँ या टीवी देखूँ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ. मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में ज़रूर ढूँढती हूँ, पर कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो उस समय, उस वक्त, वो कहीं ना कहीं वो रहता ही है. वो ऐसा मेरे साथ तो ऐसे होता है, बाकी दूसरों के साथ तो पता नहीं. पर मैं 100% में ऐसे स्विच ऑफ नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं वो रह जाता है. इसीलिए आपने कहा था कि मेरे लिए ये बहुत टफेस्ट जॉब होगा या बहुत टफेस्ट फिल्म है ये मेरे लिए, रोल के लिए नहीं, बट वो मेकअप, वो कैरी करना, वो सब चीज़ें मुझे याद दिलाती है. और इसके लिए वो कहानी थी जो आपने बताई थी, बहुत इंटरव्यू में बताई थी कि मैंने वो मेकअप जला दिया क्योंकि वो जो प्रोस्थेटिक है वो मैं जला दिया कि मुझे वापस नहीं करना है. मैंने कोशिश की, और
वो मेरी कोशिश थी कि मैं उस इमोशनल बर्डन को जो मैं कैरी कर रही थी कि मैं उस चीज़ को पीछे छोड़ के मैं आगे निकलूं, पर वो थोड़ा सा शायद हुआ है, वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। और इसलिए शायद जब मैं इस फिल्म के बारे में बात करती हूँ अक्सर मैं इमोशनल हो जाती हूँ। पिछले 2-3 प्रोग्राम में भी आप इतनी इमोशनल तो दीपिका कभी दिखी नहीं है किसी प्रोग्राम में। तो पर मतलब उस पॉइंट पे आपको हो जाता है, हो जाता है किसी एक पॉइंट आता है तो कोई किसी भी एक पॉइंट पे वो हो ही जाता है। पर कहानी ऐसी है, ये जर्नी ऐसे रहा है। तो और मैं अपने आप को मैं खुद को मैं रोकती भी नहीं हूँ। अगर मैं कुछ चीज़ महसूस करती हूँ मैं दिखाती हूँ, मुझे उसमें कुछ शर्म होने की मतलब बात भी नहीं है। तो या बट ये इस जर्नी के दरमियान आप लक्ष्मी से मिले, आपने खुद का आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी उसमें, क्योंकि आप उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं, उसका कैरेक्टर कर रहे हैं, आप क्या बात कर रही थी उनसे उसके साथ ही, क्या क्या निकल के आया आपको? आई थिंक मेरे लिए लक्ष्मी और लक्ष्मी जैसे जो लड़कियां हैं उनकी जो स्पिरिट है वो मुझे बहुत ही वो दिल को छू जाती है। क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि वो ऐसे होंगे, वो ऐसे फील कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे, पर जब मैं मिली लक्ष्मी से तो उनके जो सोच उनका जो सोच था विचार थे बहुत ही अलग। एक चीज़ महसूस किया मैंने जो मैं शायद मैं शब्दों में नहीं कह सकती, पर उनका जो स्पिरिट है, जो एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस है, और जो वो सोचती है, जिस तरह से वो कन्वे करती है, जिस तरह से वो बोलती है, मैं काफ़ी सरप्राइज हुई क्योंकि इतना एक कॉन्फिडेंट लड़की मैंने आज तक मैंने नहीं देखा है। आपने नहीं देखा, एक डायरेक्टर आपको ऐसी मिली जो खुद ऐसा कहती है, जो इतना बड़ा और बढ़िया स्टेटमेंट है कि प्लीज बेचारी मत कहो। बिल्कुल बेचारी मत कहो। वो उनका थॉट प्रोसेस होगा लिखने से, जब रिसर्च कर रही थी तब उनका थॉट प्रोसेस होगा कि ये बेचारी नहीं है, इसके ऊपर फिल्म बनानी है और लोगों को बताना है। इस दरमियान आपको आप पहली दफा तो उनको मिली नहीं रही, बट एज अ डायरेक्टर आपको क्या मिला मेघना गुलजार से? मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिला, मुझे शी वॉज़ अ वेरी बिग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि अक्सर जैसे मैं पहले कह रही थी कि मैं बहुत ऐसे सडनली मैं ब्रेक डाउन होती थी, और वो सब कुछ छोड़ के वो आके मेरे साथ बैठती थी, बस मेरा हाथ पकड़ती थी और हम कुछ बात भी नहीं करते थे। और वो क्या था, क्यों होता था, कब होता था, उसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। बट शी वॉज सेंसिटिव टू द फैक्ट कि इमोशनली ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और कभी कभी मतलब मेरा पैकअप हो जाता था, मैं निकल जाती थी, फिर उनको फोन कॉल आता था कि दीपिका इज़ फीलिंग लो या ऐसा कुछ, तो वो सब कुछ छोड़ के मेरे पास आके बैठती थी। बट एज एन आर्टिस्ट, एज अ टेक्नीशियन, मैं ये कहूँगी कि उनकी जो सेंसिटिविटी है, जो सच्चाई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जब हम ऐसी कहानियाँ बताते हैं उनमें वो खूबी है। वो क्योंकि कोई भी ऐसी मतलब ऐसा कहानी नहीं बता सकता, मतलब बहुत बहुत प्यार से बनाना पड़ता है, बहुत सेंसिटिवली बनाना पड़ता है। और ये बात मैंने मेघना मैम में मैंने देखा है। तलवार भी अगर आपने देखा होगा शायद, तो एक इतना एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को लेकर इतनी आसानी से उन्होंने कह दिया कि ये मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाया उन्होंने इतना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को लेकर। और जब वो नरेशन के लिए आए थे ऑफिस, तो तभी मुझे दिखा कि ये औरत जो करेगी वो सही करेगी, अच्छे से करेगी, दिल से करेगी, प्यार से करेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक एंटरटेनिंग तरीके से बताएगी कहानी। जो भी हम करेंगे, जो भी मैसेज होगा, इवेंचुअली कहानी को एंटरटेनिंग और एक फिल्म को एंटरटेनिंग रखना भी बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म के बाद दीपिका के अंदर से क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है?
बहुत कुछ बदलाव. तो मुझे लगता है कि बदलाव तो पहले से ही हुआ था और इसलिए मैं ऐसे एक फिल्म में कर पाई. पर मैंने बहुत कुछ सीखा है. हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत सुनते हैं एसिड वायलेंस के बारे में, पर जब आप एक फिल्म करते हैं उसके ऊपर तो उनके जो डिटेल्स हैं, जो न्यूएंसेस हैं, वो शायद मैं नहीं जान पाती अगर मैं ये फिल्म नहीं करती. तो फिल्मों के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू बहुत हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है. खूप शिकायला मिळालं असं स्वतः दीपिका म्हणते आणि आपल्याला स्वतःहून असं म्हणायला पाहिजे. कारण असं म्हणायला नकोय की दीपिका तुला शुभेच्छा या सिनेमासाठी, दीपिका तू धन्यवाद हा सिनेमा केलास म्हणून, असं म्हणायला पाहिजे खरं तर. आणि हा सिनेमा खरंच वेगळा आहे म्हणूनच तिने तो सिनेमा केला आणि त्याच्यातनं तिला काहीतरी स्वतःचा काही मेसेज द्यायचा आहे किंवा काही नाही, पण तुझा सिनेमाचा मेसेज आहे तो सगळ्या भारतावर पोचवायचा आहे, भारताच्या बाहेर पण पोचवायचा आहे. म्हणून तिने प्रोड्युसर म्हणून पण स्वतःच्या खांद्यावरती सगळं घेतलं, अंगावरती भार घेतला. आणि मला असं वाटतं की जर हा असा इतका सुंदर मेसेज किंवा इतका चांगला मेसेज जर भारतात पोचणार असेल तर छपाकमधल्या दीपिकाला बघायला तुम्ही नक्की सिनेमागृहात जायला पाहिजे. त्यासाठी धन्यवाद. आज लोकमतमध्ये एवढंच.